Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की फर्स्ट एपिसोड के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि ये ड्रामा सीरियल हिट है या फिर है फ्लॉप। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर लॉन्च किया गया है, और इसके लीड कास्ट में आपको हुमायूं सईद, युमना ज़ैदी, ज़ाहिद अहमद और अदनान सिद्दीकी देखने को मिलेंगे। हुमायूं सईद जिन्होंने 5 साल बाद ड्रामा इंडस्ट्री में दोबारा से कमबैक किया है, इनका लास्ट ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो जो कि सुपर डुपर हिट रहा था। और अगर हम बात करें युमना ज़ैदी की, तो युमना ज़ैदी का भी ड्रामा सीरियल तेरे बिन बहुत ही ज़्यादा हिट रहा था और उसने तमाम तर व्यूज़ के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी लीड कास्ट होने के बाद ये ड्रामा सीरियल हिट रहा या फ्लॉप, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल की फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हो चुकी है। इस ड्रामा सीरियल का इनके फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था, और इस ड्रामा सीरियल की बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह यह भी है कि इस ड्रामा सीरियल को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है, जिनके हर ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं और वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी से हटकर इनके ड्रामा सीरियल्स होते हैं। तो चलिए ये सब तो हो गया, अब हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल की स्टोरी के बारे में। एपिसोड 1 में दिखाया गया हुमायूं सईद को एज मुन्ना के कैरेक्टर में, मुन्ना जो कि एक गुंडा होता है, जबकि युमना ज़ैदी को एज ज़रनब दिखाया गया है। युमना ज़ैदी ज़रनब का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हैं, जिसमें वो एंगल पर्सन बनी हुई है। इनकी इंगेजमेंट पहले से ही एक CSS ऑफिसर से हो चुकी है, और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड भी शेयर कर रहे हैं। और पहली एपिसोड में ही ज़रनब और मुन्ना की सीन को दिखाया जाता है कि जब मुन्ना एक गुंडे से लड़ रहा होता है, वहीं पर ज़रनब पहुँचती है और ज़रनब मुन्ना को बहुत सी बातें सुनाती है, जिसके बाद मुन्ना सिर्फ देखता ही रह जाता है कि कैसे एक लड़की मुन्ना को इतनी ज़्यादा बातें सुना गई, जबकि यहाँ के मर्द भी से बात करने से डरते हैं। तो पहली एपिसोड में तो सिर्फ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस ही करवाया था, अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आगे स्टोरी कैसे प्रोसीड करती है। ड्रामा सीरियल देखने में बहुत मजा आ रहा है, और हुमायूं सईद मेरे पर्सनली फेवरेट एक्टर है, तो उनको स्क्रीन पर देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आप लोग मुझे बताएगा कि आपको ड्रामा सीरियल जेंटलमैन कैसा लग रहा है, और ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा सीरियल ब्लॉकबस्टर बनेगा या फिर हो जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो व्यूअर्स, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।